हेलो गाइस, आपका स्वागत है टेक्निकल और मोटर्स की एक और नई वीडियो में। आज हम मारुति सुजुकी सिलेरियो का रिव्यू करने वाले हैं। फ्रंट से आपको सिलेरियो ऐसे कुछ दिखेगी। इसमें 65 BHP का पावर और 89 NM का टॉर्क आता है। फ्रंट में हेलोजन बल्ब दिए जाते हैं और नीचे फॉग लैंप्स दिए जाते हैं। बस बाकी सारी डिटेल्स मैं आपको शो कर दूंगा वीडियोस में। आइए साइड से बात करते हैं इसकी। साइड से कुछ ऐसे दिखती है ये मारुति सुजुकी सिलेरियो। यहाँ पे बहुत ही प्यारे ब्लैक कलर के एलॉय दिए गए हैं। आपको मिरर्स में ही आपको साइड इंडिकेटर्स मिलते हैं। आइए देखते हैं टायर का साइज क्या है। R15 आपको साइज देखने को मिलते हैं। साइड के जो डाइमेंशंस होंगे आपको स्क्रीन पे आ चुके होंगे, आप चाहे तो उसे भी रीड कर सकते हैं। बैक में ऐसी कुछ दिखती है। हाँ, ये देखते हैं इसका बूट फेस कितना है। यहाँ पे आप बटन से भी ओपन कर, ये शायद कैमरा है, ऐसा कुछ आपको बूट स्पेस मिलेगा। और कितने लीटर इसका वो आप स्क्रीन पर आ चुका होगा। ऐसे कुछ आपको मिलेगी बूट स्पेस। बूट स्पेस का है तो काफ़ी डीप है फॉर श्योर। और यहाँ पे कभी लाइट नहीं देगी। और यहाँ पे पार्सल ट्रे भी मिलते हैं आपको। आइए आप इंटीरियर की बात करते हैं। आपको ऐसा कुछ इंटीरियर देखने को मिलेगा। यहाँ पे 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा आपको। यहाँ पे स्पीडोमीटर मिलेगा और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। और यहाँ पे विंडोज़ का बटन्स यहाँ पर दिख गई है। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है। ये आपको USB और ऑक्स का केबल मिलेगा आपको और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। और ये आपको मिलेगा मैनुअल AC। यहाँ पे ग्लव दिया गया, बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन सफिशियंट है। यहाँ पे आप मिरर यहाँ से एडजस्ट करो पाएंगे। और स्टार्ट स्टॉप बटन ये आपको यहाँ दिया गया है। चलिए, मैंने अपनी सीट को अपने ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट कर दिए। चलिए पीछे की स्पेस कितनी है देखते हैं। काफ़ी अच्छी आपको स्पेस देखने को मिलेगी फॉर 5-9 पर्सन। अच्छी तरह से मेरे
मेरे हाइट के और मेरे लेंथ के हिसाब से तीन लोग आसानी से बैठ जाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ बड़ी ख़राब है कि यहाँ पे कोई लैंप नहीं दिया गया है इस मॉडल में, वो चीज़ होनी चाहिए। पीछे से इसका लुक कुछ ऐसा है, और ऑल ब्लैक इंटीरियर के दिया गया है यहाँ पे। रादर मुझे पर्सनली ये ज़्यादा पसंद है, रादर देन पेज कलर का भी दिया जा सकता था जिससे ज़्यादा आपको एयरी फील हो जाए।